आदाब, मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। ये तस्वीर कटिहार के प्राणपुर प्रखंड के कैशोपुर गांव की है, जहां 65 वर्षीय निमिजन देवी की मौत बाढ़ के पानी में डूबकर हो गई। मृतक के घर से मुख्य सड़क तक चारों तरफ महानंदा का पानी है। मृतक की लाश को मुख्य सड़क तक लाने के लिए कोई सरकारी सुविधा नहीं दी गई, तो मृतक के परिजनों ने मृतक के घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लाश को खाट पर लादकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए कटिहार सदर अस्पताल लाया गया। मृतक के परिजनों ने कहा कि उन्हें कोई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कोई भी सुविधा नहीं मिली। खटिए पर लाश लेकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करने का ये वीडियो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रहा है। किशनगंज जिले के दिघलभैंग थाना क्षेत्र के मालटोली गांव में तालाब में नहाने के दौरान पानी में डूबने से एक महिला सहित 2 नाबालिग लड़कियों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार तालाब में एक ही परिवार की भाभी और उसकी 2 ननद नहाने गई थीं, जहां भाभी का पांव फिसलने से वह गहरे पानी में चली गई, जिसके बाद वह डूबने लगी और बचाने की गुहार लगाने लगी। अन्य 2 ननद भाभी को बचाने का प्रयास करने लगी, जिसके बाद वे दोनों भी डूबने लगी। ग्रामीणों की मदद से पोखर में खोजबीन शुरू की गई। सूचना मिलते ही अंचला अधिकारी भी मौके पर दलबल के साथ पहुंचे और खोजबीन शुरू कर दी। तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से पानी के बाहर निकाला गया और आनन फानन में इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों में 23 वर्षीय भाभी रबीना दास, 17 वर्षीय देविका कुमारी और 16 वर्षीय पूजा कुमारी शामिल हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गई और इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। राज्य में 11 चरणों में 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक आम पंचायत चुनाव होंगे। सीमांचल की अगर बात करें तो क्षेत्र के 4 जिलों के अलग अलग प्रखंडों में दूसरे चरण यानी 29 सितंबर से आखिरी 11वें चरण यानी 12 दिसंबर तक वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 29 सितंबर को पूर्णिया के बनमनखी, कटिहार के कुर्सेला, कटिहार, हसनगंज, डंडखोरा और अररिया के भरगामा में वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में 8 अक्टूबर को पूर्णिया के बीकोठी, भवानीपुर, कटिहार के कोढ़ा और अररिया के रानीगंज में चुनाव होगा। चौथे चरण में 20 अक्टूबर को किशनगंज के किशनगंज प्रखंड, पूर्णिया के धमदाहा, कटिहार के मनसाही, फलका, समेली और अररिया के नरपंतगंज में वोटिंग होगी। पांचवें चरण में 24 अक्टूबर को किशनगंज के तेड़ागाच, पूर्णिया के नगर, श्रीनगर, कटिहार के बलरामपुर, प्राणपुर में चुनाव होगा। छठे चरण में 3 नवंबर को किशनगंज का दिघलभैंग, पूर्णिया के पूर्णिया पूर्व और डगरुआ, कटिहार का बरारी, अररिया के कुरसंकाटा में चुनाव होगा। सातवें चरण में 15 नवंबर को किशनगंज के बहादुरगंज, पूर्णिया के कस्बा और जलालगढ़, कटिहार के अहमदाबाद और मनिहारी और अररिया के फॉरबीसगंज में चुनाव होगा। आठवें चरण में 24 नवंबर को किशनगंज के ठाकुरगंज, पूर्णिया के रुपौली, कटिहार के आजमनगर और अररिया के पलासी में चुनाव होगा। नौवें चरण में 29 नवंबर को किशनगंज के पोठिया, पूर्णिया के बाईसी, कटिहार के कदवा और अररिया के सिकटी में चुनाव होगा। दसवें चरण में 8 दिसंबर को किशनगंज के कोचाधामन, पूर्णिया के बैसा, कटिहार के बरसोई और अररिया के जोकीहाट में चुनाव होगा। वहीं आखिरी चरण यानी 11वें चरण में 12 दिसंबर को पूर्णिया के अमोर में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर ज़िले में कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने से हाहाकार मची है। वैक्सीन लेने के लिए रात से ही वैक्सीन सेंटर के सामने लंबी कतार लग जाती है। वहीं रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक पुलिसकर्मी पर पैसे लेकर वैक्सीन के कूपन बेचने का आरोप लगा है। टीकाकरण के मामले में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए रायगंज राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पुलिस तैनात की गई है। लोगों का कहना है कि मिंटू मंडल ने अपने सहयोगी बेटे को वैक्सीन का कूपन दिया। नतीजा ये हुआ कि वैक्सीन के लिए लाइन में लगे लोग विरोध में भड़क उठे। उन्होंने कूपन लेने वाले व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गया। वैक्सीन कंट्रोल मैनेजर सब्यसाची मुखर्जी ने कहा कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने मामले की जांच कर आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। कटिहार में सड़क दुर्घटना में घायल बाप बेटी के बैग से बरामद हुई शराब की बोतल। स्थानीय लोगों ने पहले तो सड़क दुर्घटना में घायल बाप बेटी की जान बचाई, फिर शराब रखने के मामले में दोनों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मामला सहायक थाना क्षेत्र के शरीफगंज का है। बाप बेटी मोटरसाइकिल से शराब की 20 बोतलें लेकर मनिहारी से कटिहार लौट रहे थे। इसी दौरान शरीफगंज के पास मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर टकरा गई, जिससे दोनों घायल हो गए और उन लोगों के बैग से 20 बोतलें शराब बरामद हुई है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर कार्रवाई में जुट गई है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां रह रहे भारतीयों का भारत आने का सिलसिला जारी है। इस बीच मंगलवार को भी काफी संख्या में लोग अफगानिस्तान से दिल्ली होते हुए बागडोगरा हवाई अड्डा पहुंचे। सरकारी अधिकारियों के अनुसार दार्जिलिंग जिले के 200 लोग अफगानिस्तान में काम कर रहे थे, उनमें से कुछ लोग मंगलवार और कुछ लोग सोमवार को अफगानिस्तान से स्वदेश लौटे। कटिहार के मनसाही प्रखंड में बाढ़ के पानी में एक नीलगाय बहते हुए मिली, जिसे ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया। नीलगाय की घायल स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने अपने स्तर पर उसे प्राथमिक घरेलू चिकित्सा उपलब्ध कराई। नीलगाय पकड़े जाने की सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी, फिर पुलिस ने उसे वन विभाग को सौंप दिया। पूर्णिया में दिन दहाड़े मवेशी व्यवसायी से 21 लाख रुपए लूटने की घटना हुई है। घटना पूर्णिया के टीकापट्टी थाना के गोरियर की है, जहां खगड़िया के एक मवेशी व्यवसायी मवेशी खरीदने के लिए अपनी स्कॉर्पियो से 21 लाख रुपए लेकर आ रहे थे, लेकिन घात लगाए अपराधियों ने स्कॉर्पियो को रोककर बैग में रखे 21 लाख रुपए बंदूक की नोक पर छीन लिए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इलाके को सील कर अपराधी के धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर चुकी है। पूर्णिया के मधुबनी टीओपी इलाके के चुनापुर रोड स्थित कोसी नर्सरी के पास अज्ञात अपराधियों द्वारा एक युवक की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। युवक का नाम हर्ष कुमार झा है, हालांकि अभी तक हत्या के पीछे की साजिश का पता नहीं चल सका है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद इलाके में तनाव है और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। सीपीएम जिला कमेटी अररिया की बैठक सुगमलाल पासवान की अध्यक्षता में पेंशनर भवन अररिया में आयोजित की गई। बैठक में सीपीएम के बिहार राज्य सचिव अवधेश कुमार शामिल हुए। बैठक के दौरान देश भर में किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों और कोविड संक्रमण के कारण निधन हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एक मिनट का मौन रखकर सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त 2021 को किसानों की दिल्ली रैली में अररिया से सैकड़ों किसान मजदूर सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली के सिंघू बॉर्डर जाएंगे। साथ ही साथ बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने और अपने अपने क्षेत्रों में तैयारी करने को कहा गया। अररिया के तुरकेली के समीप सड़क के किनारे एक युवक बेहोशी की हालत में मिला। युवक संदेहास्पद स्थिति में बेसुध अवस्था में सड़क पर पड़ा था, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह युवक को तुरकेली के समीप सड़क किनारे सोया देखकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरकेली पहुंचकर युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया भेजा। उत्तर दिनाजपुर के चौपड़ा में बेरंग नदी से एक महिला का शव बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार महिला चौपड़ा प्रखंड के घरुगच इलाके की रहने वाली थी। मंगलवार की सुबह महिला घर से अकेले ही निकली थी। काफी समय बीतने पर जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाशी शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उसका शव बेरंग नदी से बरामद हुआ। खबर मिलते ही चौपड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। किशनगंज शहर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए किशनगंज डीएम डॉक्टर आदित्य प्रकाश इन दिनों एक्शन मोड में हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर नए ट्रैफिक प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। जिला अधिकारी की पहल के बाद संबंधित विभागों की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि ट्रैफिक प्लान में कई जगहों पर वन वे सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके लिए एसपी और एसडीएम से प्रस्ताव मांगा गया है। इसी तरह नो पार्किंग जोन की भी पहचान की गई है। नगर परिषद के द्वारा पूर्व में 5 स्थानों पर पार्किंग स्थल का निर्माण किया गया था, जिसका इस्तेमाल हो उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में अतिक्रमणकारियों की वजह से जगह जगह पर जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतिक्रमण हटाने का ड्राइव जल्द आरंभ किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर निबंधन के ई रिक्शा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अररिया जिले के आरएसओपी क्षेत्र अंतर्गत दिगरिया गुमटी अररिया रानीगंज मार्ग NH327 पर घंटों सड़क जाम होने से आवागमन बाधित हो गया। जाम की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि अररिया से रानीगंज होते हुए मधेपुरा तक जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, जिस पर जाम लगने की वजह से लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय लोगों द्वारा जाम की सूचना आरएसओपी पुलिस को दी।
सूचना मिलने के बाद आरएसओपी पुलिस उक्त स्थान पर पहुंची और लगे जाम को क्लियर किया और फिर से आवागमन चालू हो सका। बिहार में फाइलेरिया बीमारी उन्मूलन हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस आयोजन के माध्यम से जिला मलेरिया पदाधिकारी ने कहा कि फाइलेरिया बीमारी उन्मूलन के लिए सरकार गंभीर है। अब तक शोध में जो बातें सामने आई हैं, फाइलेरिया मच्छर काटने से फैलता है और इसकी रोकथाम पूर्ण रूप से संभव है। इसलिए उन्होंने कहा कि विशेष कार्यक्रम चलाकर इसी को लेकर आशा कर्मियों को एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। अब ये लोग घर घर जाकर सभी को फाइलेरिया बीमारी से निपटने की दवा उपलब्ध कराएंगे। जिला मलेरिया पदाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए बेझिझक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी निर्देश को मानते हुए सभी को फाइलेरिया की दवा लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं मेराज खान, सैयद शादाब, रविंद्र यादव और JP मिश्रा। वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।